आज हम लोग को सीखना है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। हम लोग कुछ फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। हम लोग अगर ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इधर एच स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो इधर भी हमको एच स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा। इधर मेरा क्या बन जाएगा, एक बार एच स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, एक बार एच स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। दिस इज बी एंड दिस इज पी बाई एच होल स्क्वायर एंड दिस इज बी बाई एच होल स्क्वायर एंड दिस इज ये तो वन हो गया कट कट के पूरा पूरा एच स्क्वायर मान लगे दिस इज वन। तो हम लोग यहाँ जानते हैं पी बाई एच किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा का स्क्वायर ये क्या होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर ये वन। इसको हम लोग दूसरा तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ ध्यान रखना है कि ई थीटा पर स्क्वायर नहीं आता है, ई साइन फंक्शन पर स्क्वायर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पहला आइडेंटिटी हो गया। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग प्रूफ करेंगे। ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इधर भी हमको बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कट के बन यहाँ मेरा हो गया, ये हो गया एच बाई बी का होल स्क्वायर और ये मेरा हो गया पी बाई बी का होल स्क्वायर। ये हो गया प्लस वन। एच बाई बी मेरा क्या होता है, एच बाई बी होता है मेरा सेक थीटा होल स्क्वायर। पी बाई बी क्या होता है मेरा टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस वन। इसको दूसरा डिजाइन में कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ये सेकंड आइडेंटिटी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग दे देंगे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। दिस इज बी दिस इज बी। ये मेरा क्या हो जाएगा, एच बाई पी का होल स्क्वायर एंड दिस इज पी बाई पी। तो मेरा कट के वन हो गया, वन प्लस ये पी बाई पी का होल स्क्वायर हो गया। एच बाई पी मेरा क्या होता है, cosec थीटा का होल स्क्वायर वन प्लस ये होता है cot cot थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा cosec स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा वन प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये मेरा थर्ड आइडेंटिटी हो गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, कन्वर्सन ऑफ वन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इनटू अदर। मान लिया जाए कि अगर हमको साइन को कन्वर्ट करना है cos में कन्वर्ट करना है, कैसे यूज करें, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तीनों आइडेंटिटी वहां लिख चुके हैं, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये साइन थीटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली करके मान लिया जाए अगर हमको कॉस को बोलेगा साइन चेंज करने साइन में, तो इसीलिए क्या करेंगे, साइन को उधर भेज देंगे, सेम काम कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मान लिया जाए हमको बोला कि साइन को टेन में चेंज करने के लिए, साइन को टेन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको दूसरा ले लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा ये वन प्लस, हमको टेन में चेंज करना है तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, वन बाई टेन होता है, वन बाई टेन थीटा पूरे पर स्क्वायर। क्योंकि इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लिखते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट के बदले वन बाई टेन आया है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया वन बाय वन, दिस इज वन बाय टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वन का स्क्वायर तो वन ही होगा ना। अब क्या करना है हमको, ये वाला कॉसेक स्क्वायर इक्वल क्या होता है, वन बाय साइन, क्योंकि कॉसेक का उल्टा तो साइन होता है, वन बाय साइन स्क्वायर वन प्लस वन बाय टेन स्क्वायर थीटा हो गया। हमको साइन को कितना टेन में चेंज करना था, तो इसके लिए पूरा पूरी वन डाल देते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वन बाय साइन, अगर इधर मान लिया जाए हम इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे। अगर इधर रेसिप्रोकल करेंगे इधर भी क्या हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, वन बाई वन प्लस वन बाई टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको अगर हम लोग जरा और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो वन बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा। और फिर टेन क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, मतलब ये मेरा बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन का टेन में चेंज। हमको नेक्स्ट साइन को कॉट में करना है। अभी अभी हमने देखा कि साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा हम लोग देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का तो टेन निकल जाएगा, टेन थीटा बाई अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरा हो गया, साइन का टेन में तो हो गया लेकिन हमको बोलता है साइन का कॉट में करना है। तो टेन का हम लोग जानते हैं होता है वन बाई कॉट, ये हो गया वन बाई कॉट और अंडर रूट वन बाई ये कॉट हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो
वन बाई कॉट थीटा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। इसको अगर अगर सॉल्व करेंगे तो वन बाई कॉट थीटा, और ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा का निकल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, ये और ये मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा ऊपर में तो वन बच गया, नीचे ये मेन डिवाइड लाइन है, तो मेरा क्या हुआ साइन थीटा, दिस साइन थीटा इक्वल टू क्या आया, ऊपर में वन आ गया, नीचे में क्या आया अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको दूसरा तरीका से हम लोग कर सकते हैं, सेकंड फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इधर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर उधर जाएगा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक। तो रूट वन का रूट क्या होता है, वन का रूट तो वन ही हो जाएगा और नीचे रूट रह जाएगा, तो यही मेरा फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्सन लिखते हैं, हमको साइन को सेक में करना है तो बहुत आसान होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं वहाँ से, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस इक्वल टू क्या लिख देंगे, वन बाई सेक होता है, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, कॉस को कॉट में करेंगे, कॉस को टेन में करेंगे, कॉस को कॉसेक में करेंगे, तो कॉस को कॉट में करते हैं हम लोग, कॉस को कॉट में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तीसरा फॉर्मूला का हेल्प लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर देते हैं वन बाई वन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा इसको टेन में भी करना है, इसको बाद में कर लेते हैं, सेक हम लोग क्या लिखेंगे वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन, अभी इधर रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस का थीटा इक्वल टू वन बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, तो रूट का वन का मान कितना होता है, रूट ही हो जाता है, तो रूट तो खाली मात्र इतना में रह जाएगा, ये हो गया कॉस का टेन का डिजाइन में चेंजिंग। अब हम लोग कॉस का जो है कॉट का डिजाइन में मान लो चेंजिंग करना है, कॉस कॉट यहीं पर चेंज कर देते हैं, वन बाई वन वन प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया वन बाई, अब जी इसको एलसीएम लेंगे नीचे तो मेरा कितना आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब मेरे यहाँ से क्या बनेगा, ये चीज कॉट ऊपर चल जाएगा, तो कॉट किसे स्क्वायर रूट है यहाँ पर, तो मेरा क्या स्क्वायर मेरा रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो मेरा ऊपर में क्या आएगा खाली कॉट आ जाएगा, नीचे मेरा क्या बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। कॉस का हम लोग कॉट में चेंज कर दिए, मतलब ये हो गया कॉस को कॉस में चेंज करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा वहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन इक्वल टू क्या होता है वन बाई कॉसेक होता है, वन बाई दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस का जो है कॉसेक में कॉस थीटा इक्वल टू इधर स्क्वायर का रूट भेज देंगे वन बाई वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस को एक बार कॉसेक में आ गया बस, उसके बाद तो ये स्क्वायर रूट तुम लोग उधर भेज ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को टेन को साइन कॉस से कि सब में कन्वर्ट करना है, पहले हम लोग टेन को साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। अभी हम लोग पीछे ही कॉस थीटा को हम लोग साइन में चेंज किए थे, उसी वहाँ से फॉर्मूला से देख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन का साइन में कन्वर्सन हो गया, अब किस में कन्वर्ट करना है कॉसेक में कन्वर्ट करना है, तो कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सेकंड नंबर फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा वन को अगर इधर ले आएंगे दैट इज माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू इसको लिख सकते हैं वन बाई टेन स्क्वायर थीटा। अब दो तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वन बाई कॉसेक दिस इज कॉसेक दिस इज कॉसेक दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू इधर हो जाएगा रेसिप्रोकल के टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हो इधर लेंगे दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो दोनों तरफ रूट लगा रूट और स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा रूट और स्क्वायर ये फिनिश हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉसेक डिजाइन में मेरा आ गया, हो गया मेरा कॉसेक, अब क्या बचा मेरा सेक में बचा, तो यहाँ से तुम लोग का निकल जाएगा क्या निकला टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये मेरा हो गया सब चीज़ में चलेगा, मतलब किसी भी मतलब यहाँ से क्या सीखें किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को हम लोग किसी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग का छूट गए यहाँ पर टेन को हम लोग कॉस में चेंज करने का, तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग टेन बराबर साइन बाय कॉस, तो साइन को चेंज कर देंगे वन माइनस कॉस का थीटा पहला फॉर्मूला से ये हो गया कॉस में चेंज हो गया किसी को किसी में भी चेंज